जबलपुर से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कुलपति ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कराया रक्तदान। आज दिनांक जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कपिल देव मिश्र के द्वारा शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर कराया रक्तदान। कुलपति से चर्चा पर बताया, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में भारी संख्या में रक्तदान किया। हम सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने मिलकर रक्तदान कर जीवन दान का फल पाया है। रक्तदान संपूर्ण विश्व में महादान के नाम से जाना जाता है। हमारे रक्तदान किए जाने से ना जाने कितने गरीब माध्यम वर्गीय जरूरतमंदों को जीवन मिलता है, और हम सभी का कर्तव्य है कि हम हर 3 माह के रक्तदान करें, हमारे समाज को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही कुलपति जी ने बताया, बाजार पर मिलने वाले मैदा और जंक फूड जैसे हानिकारक खाद्य पदार्थों को छोड़कर शुद्ध शाकाहारी दाल दलिया हरी सब्जी रोटी जैसे आहार को ग्रहण कर शरीर को स्वस्थ एवं मजबूत बनाएं। आज की परिस्थितियों में जहां युवक युवतियों का आम जनों का ज्यादा से ज्यादा रुझान जंक फूड की ओर जा रहा है, हमें अपने समाज को और आम जनों को जागरूक करना है। शुद्ध शाकाहारी आहार, शुद्ध विचार, जैसा खाओगी अन्न वैसा रहेगा, मन जैसे शब्दों से समझना है और शुद्ध शाकाहारी भोजन को अपनाना है। जय हिंद, जय भारत। और NSS का उद्देश्य यही है, समाज सेवा के माध्यम से छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व का विकास और समाज सेवा, तो हम वो करते रहेंगे, रक्तदान लगातार होता रहे। डॉक्टर देवांशु गौतम, कार्यक्रम अधिकारी, NSS ओपन यूनिट। विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आज ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन किया गया है, और ये अत्यंत ऐतिहासिक दिवस है। आज शिक्षक दिवस है, तो सबसे पहले शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं, और पोषण आहार माँ हम लोग मना रहे हैं, तो पोषण के माध्यम से रक्त जन जन तक पहुँचे, जो जीवन में अपने बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको हम देने का, जीवन देने का कार्य विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के युवा छात्र छात्राओं द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं छात्र छात्राओं को, जो क्रमशः शिविर के माध्यम से करते रहते हैं, हमारा महिला अध्ययन विभाग इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई सभी को देता हूं कि शिक्षक दिवस पर शिक्षकों और विद्यार्थियों का जो गुरुकुल परंपरा का सनातन काल से गुरु शिष्य कृष्ण और सुदामा का जो रिश्ता है वो पुनः कायम हो। न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई निर्बल है, न कोई सबल है, न कोई जाति है, न धर्म है, एकात्म भाव से हम लोग आगे बढ़े। मुझे लगता है कि भारत और भारतीयता और भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है, इस विशेषता को हम सब लोग आज शिक्षक दिवस पर संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।